फ्रेंड्स, एक और पड़ाव पर पहुंच चुके टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के और एक अनोखा सा कैंडलस्टिक पैटर्न फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और इसकी वीडियो हम बहुत छोटे ही बनाते हैं, तो इसे देखना मत भूलना, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपने सीख लिया तो 100% में से 50% आपने स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज ले ली। तो दोस्तों, आज भी हम एक नया और अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग होता है, खास करके कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपका समय भी वेस्ट ना हो। आज भी एक खास किस्म का कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के लिए लाए हैं। बस धीरे धीरे इन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप जानकर अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते जाइए। और आज जो लेकर आए हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम है टसुकी लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम पर मत जाइए, नाम जापानीज है, लेकिन काम पर जाना चाहिए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देगा, कैसी इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसा इसका साइकोलॉजी है, सब कुछ देखेंगे बोर्ड पे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से है, एक तो बुलिश और दूसरा बियरिश। अब ये कैसे हम इसको चेक करें, कैसे हम इसको पहचाने, तो चलिए वो देखते हैं। जब भी हमें अप ट्रेंड में एक ऐसी बुलिश कैंडल दिखे, उसके बाद में अचानक से ही एक बियरिश कैंडल बने और वो भी गैप डाउन ओपन हो जाए और उसकी क्लोजिंग इसके लो से, है ना, इसके लो से नीचे हो, गैप होना चाहिए उसका, तो वो हो जाती है टसुकी लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो फिर से एक बात बता दें कि अप ट्रेंड में जब भी हमें एक बुलिश कैंडल मिले, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बने जो गैप डाउन, जिसका ओपनिंग और जिसकी क्लोजिंग बुलिश कैंडल के लो से भी नीचे हो, तो वो होती है टसुकी लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमने तो पहचान लिया और ये आपको हर टाइम फ्रेम पे मिलते रहेगी और सभी जगह एक जैसा ही काम करेगी, चाहे वो स्टॉक हो, ऑप्शन हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का ये ही खासियत है कि वो हर जगह एक जैसा ही काम करती है और ये पैटर्न आपको कई जगह पर मिलते रहेगा। तो जब भी मिलेगा तो रिवर्स ट्रेंड आपको देता है, आपको नेक्स्ट कैंडल पर सेल कर देना है। स्टॉप लॉस आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से रख लो, नहीं तो इसके हाई पे लगा लो। अब हमने जान तो लिया कि ये कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बाद कैसे हम इस पे सेल लेंगे, लेकिन इसकी साइकोलॉजी क्या है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो बायर्स लगातार बाइंग किए जा रहे थे, इसीलिए तो मार्केट ऊपर जा रहा था। अचानक से ही गैप डाउन जो ओपनिंग हुई इसकी, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अब क्या होगा। तो इसने थोड़ी देर में क्लियर कर दिया, क्योंकि इसने जो क्लोज था, जो लो था प्रीवियस कैंडल का, उसको भी तोड़कर और नीचे जाके क्लोजिंग दी, वहां पे एकदम क्लियरली हमको पता चल गया कि मार्केट अब पूरी तरह से बियरिश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बढ़ चुके हैं, सेलर्स का जोर ज्यादा हो गया और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको हर जगह और बार बार दिखता रहेगा, आप बस इसे आइडेंटिफाई कर लेना और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अब चलिए, हमने तो समझ लिया इसे बोर्ड पर, ऑन स्क्रीन भी देखते हैं कि किस तरह से हमें मिलता है, कैसे हम इस पर ट्रेड करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं बीच में और भी। जीरोधा अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और ओपन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, घर बैठे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो भी हमारे दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेगा उसे हम अपने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ में लाइव में जुड़ना चाहते हैं, जो हम हर संडे को दोपहर 1 बजे लाइव आते हैं, वो लाइव सेशन आप अटेंड करना चाहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के बाजू में ज्वाइन बटन है, वहाँ जाकर आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं।
तो चलिए अब तो हमने बोर्ड पर समझ लिया, अब ऑन स्क्रीन देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। टशु की लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमको ढूंढने के लिए हमें कोई टॉप ट्रेंड ढूंढना होगा। तो ये देखिए, ये एक चार्ट हमने ओपन कर लिया और मार्केट बहुत अच्छा डाउन आया, फिर ऊपर गया और ऊपर जाके ग्रीन कैंडल के बाद में गैप डाउन एक रेड कैंडल ओपन हुई और उसने क्लोजिंग भी दिया पिछली वाली कैंडल से भी ज़्यादा लो। तो ज़्यादा लो पर आके क्लोजिंग दिया है, तो ये इंडिकेट करता है टशु की लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और देखिए कितना बढ़िया इसने फिर प्रॉफिट दे दिया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अक्सर मिलेगा दोस्तों, इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। बस आपको देखना है कि अप ट्रेंड में कब गैप डाउन ओपन होता है कोई रेड कैंडल और क्लोजिंग भी दे दे वो पिछली वाली कैंडल से भी नीचे की ओर। तो देखते हैं और हमें मिलता है क्या। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर गैप डाउन रेड कैंडल बनी और क्लोजिंग भी दे दी और ज़्यादा नीचे की ओर लो में। मतलब ये टशु की लाइन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया इसने प्रॉफिट दिया है। तो बहुत ही सिंपल है और कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम में एक तरह से ही काम करता है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का भी आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाइए। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना। आपके कमेंट्स हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अपकमिंग जो भी हमारी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। ये वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।